जाके मरा पाए मेरे खाने में आया था। पहले कहता था कि ये अनारकली का बाल नहीं है, तुझे सीधी बात समझ में आती है क्या? नहीं, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है दादाजी? एक बात बता, तेरा कौन सा बाप है जो मेरा उंगली पकड़ के चलना सिखा, जो तू मुझे दादाजी बोल रहा है? दादी मैं बोलता है फिर एक बार हंसा तो क्या वो हंस सकती है? वो खूबसूरत है, हमारे अपने हैं। एक्सक्यूज मी, वो खूबसूरत है ये तो सबको पता है, मगर तेरा अपने कैसे हुए बे? तेरे सर पे जितने सर जुए हैं वो तेरे अपने नहीं हुए, उसके साथ इतना ज्यादती की कि उसने खुन्नस मके के सारे बाल कुतर गए, अभी टकला फिर रहा है चांद, कैसे चांद निकल आया देखा। मैंने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया। हाँ, क्यों तो पैर उठाता है ना? अरे तुमको पता है उस दिन कैसे रास्ते में कुत्तों के साथ लड़ रहे थे, और हाथ नहीं उठाया मानता हूँ, मगर पैर ही उठाया, और पैर ऐसे जब उठाया। अब हम लड़ थोड़ी रहे थे, वो तो हम खेल कूद कर रहे थे। कुत्तों के साथ हमारे बहुत पुरानी यारी दोस्ती है, उसके साथ अक्सर उठना बैठना होता है। नहीं तो बताओ कौन से खेल कूद है ऐसा जिसमें लेटा के दांतों से ऐसे कपड़े फाड़े जाते हैं? ओह नो, बताओ। ये हमारी और कुत्तों के बीच का मामला है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सो वो अपने दांतों से मेरा कपड़ा फाड़ देते हैं, और मैं भी तो उसका कपड़ा फाड़ देता हूँ, इसमें कौन सा बड़ी बात है? तुम उसके कपड़े फाड़ते हो, इसका मतलब कुत्ता कपड़े पहनते हैं क्या? फेंक रहे यार, तुम्हारे मोहल्ले के कुत्ते होंगे वैसे पर हमारे मोहल्ले के कुत्ते तो बड़े ही होशियार, समझदार और ऑल मैनर्ड के लोग, सो वो कपड़े पहनते हैं। वाओ, सो क्यूट, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? ऑफ कोर्स व्हाई ना, तुम उसे खुशी खुशी मिल लो। मिल लेना, ये तो यही पे खड़ा है, कुत्ते के बच्चे है, मतलब कुत्ते के बच्चे का डायपर यही तो चेंज करता है। चल जा यार, जाके डायपर चेंज कर। लेकिन गल्लू जी, अगर उनके बच्चे के डायपर चेंज करते होंगे तो आपको फिर घसीट क्यों रहे थे? डायपर चेंज? हाँ, इसकी भी डायपर चेंज तो मैं ही करता हूँ, इतना बड़ा हो गया अभी भी डायपर पहनता है, देखो। तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। कुत्तों ने अगर हमारा कपड़ा फाड़ भी दिया तो इसके मतलब थोड़ी ना है कि वो हमको घसीट रहे थे। पॉइंट भाई साहब, जिसमें कपड़े फाड़ते हैं उसे घसीटने ही बोलते हैं। सिखाता हूँ मैं, घसीटना किसे बोलता है? मैंने तेरे पॉइंट पे छेद कर देनी है। छेदीलाल, उसके बाद का स्टोरी बताओ सबको। क्या है उसके बाद? कुछ नहीं हुआ था उसके बाद? उसके बाद कुत्ते अपने घर चले गए और मैं अपने बिल में घुस गया। मैं घर में चला गया, कुत्ते बिल में घुस गया। अबे लेकिन स्ट्रेचर, अरे देख, उसके बाद इसने कुत्तों को मारने के लिए अपना पैर जब उठाया ना, ऐसे ऐसे जब उठाया पैर, और कुत्ते ने भी थे बड़े चला, और इस जबरदस्त मौके का अच्छा खासा फायदा उठाया, और दो टांगों के बीच ऐसा काटा कि बीच में काटा। और ऐसी सिचुएशन में लोगों को क्या 14 इंजेक्शन लगते हैं, मगर इस लिचड़ को 1400 इंजेक्शन लगे तब जगह अपने पैर पे खड़े हो। अरे दादा,
1400 इंजेक्शन। ओ माय गॉड 1400 इंजेक्शन। नो हाँ और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 1400 इंजेक्शन कौन लगाते हैं भाई? 1400 इंजेक्शन तो डायनासोर कटेगा तब भी नहीं लगता है, और तुम तो अगर कुत्तों कटने से ही लगा दिया। हाँ तो वो ये बात उस डॉक्टर से पूछना चाहिए ना, जिन्हें से लगाया था ठोका 1400 इंजेक्शन एक साथ, हमने थोड़ी ना ठोका। बताओ। हाँ मुझे लगता है ना उस डॉक्टर ने गल्लू जी के साथ धोखे किए। कोनो धोखा नहीं हुआ मेरे साथ, इस आदमी झूठ बोल रहा है। एक तो बात हमारे पेट के अंदर जिसको 1400 सुइया चुबा होगा वो आदमी आदमी थोड़ी रहेगा, वो तो छन्नी बन गया होगा और उसे चाय भी छानी जा सकती है। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? वो क्या है ना, मेरा छन्नी टूट गई है, फटा हुआ दूध छकेंगे इससे। फटा हुआ दूध चखनी है तुझे? आ पिलाता हूँ मैं तुझे दूध, दो ही लस्सी सब पिलाता हूँ। Bye.